मन्ना पिताजी को बताया मगर इस पर गाटर सिल्ली क्यों डलवा रहे, कह रहे बाबा मजबूरी का नाम है बस, कहे की मजबूरी, पैसे तो नहीं लगने हैं, छज्जा नहीं निकले, रेलिंग नहीं लगने की और ये सारी चीज नहीं लगने की, बढ़िया कहाँ लगेगा वो। फिर कह रहा भाई आगे कुछ कर लगे फिर लेंटर में जोड़ नहीं आने का, मगर आगे की ना सोचो फिलहाल की सोचो, जीवन का कुछ भरोसा नहीं है, इतना मजा लो इसका इतना है अपने लिए करो, किसी के भविष्य में बना के जाने के लिए उसके लिए नहीं करो, जैसे हम कर रहे हैं अपने लिए ऐसे ही करेंगे। हाँ। उनके लिए सोचने की क्या जरूरत है, फिर कह रहे जब हम उन्हें पढ़ा रहे लिखा रहे, फिर कह रहे मुझे तो पहले ही पसंद नहीं था ये काम टाटर सिल्ली का, तो इसका मतलब अंकित अपनी मर्जी चला रहा होगा वासी जब तुम्हें पसंद नहीं, पिताजी को पसंद नहीं ये देखो तो जी पसंद किसे है? पता नहीं किसे पसंद है, चलो खैर कोई बात नहीं, जब प्लानिंग चेंज होगी। रेलिंग का क्या रहा? रेलिंग की नपाई तुलाई होगी है, अच्छा 4-5 दिन में बन जाएगी। और सुबह से नाश्ता नहीं करा इन्होंने, इसलिए आवाज कड़क सी नहीं निकल रही, बहुत हल्की सी निकल रही, आज चाय भी नहीं पी, भूख के पेट का और छके हुए का फर्क नहीं पड़ा। आज ये सुबह ही चले गए थे 7 बजे करीब और आए 9:30 बजे। चलो खैर कोई बात नहीं, जाए आपको एकदम हैवी सा ब्रेकफास्ट हैवी बड़े? नहीं करना दौड़ गई इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 टाइम का एक बारी चलो नाश्ता कर लो आप। कैंपर बेटा ये कौन सा तरीका तुम्हारा पानी पीने का है, चैन बना रखी है तुमने तो यार, उसे ऐसे पी रहे हैं क्या पानी, ये बोल नहीं सकती अभी, कटोरी का मुंह लगाया हुआ है इसने इसलिए अब बोल लेगी। हाँ भाई ऐसे पीते हैं पानी है? हाँ जी। अच्छा जी देख लिया टीवी है? कितने घंटे देखा? बस अब बस करो, कोटा पूरा हो गया 10 घंटे। अरे 10 घंटे तो दिन निकले भी नहीं हुआ बेटे हैं, तो हमें क्या अनपढ़ी समझ रही है क्या, इतनी गिनती तो हमें है कच्ची पक्की हमारे पे भी, कितने हुए हैं ये बोल के बता? 10 घंटे टीवी देखना या देख चुके इतना देखना ऐसे 10 घंटे टीवी आज, और आज इन पर पूरी तरह से बैन रहेगा कंप्यूटर देखने के लिए, क्योंकि उसकी भी छुट्टी मनाओगे आज संडे की हैं। 16 घंटे देखा? 16 घंटे अच्छा, और कौन कौन देख रहा? आज केवल टीवी देखना, उसमें ही एंटरटेनमेंट जो भी करना उसमें ही कर लियो भाई। और मैंने सोच रहा जब नहाते ही पसीने आ गए तो नहाने का फ़ायदा क्या होगा है, हमें तो पता नहीं तड़की, तो हमारे तो फायदे ही फायदे हो रहे हैं, हमें तो ऐसा लग रहा। यही तो सोच रहा मैं, अभी तो 10 मिनट को लुए नहाए और पसीने फिर ऐसे ही हो गए, कपड़े भी गंदे हो गए। अरे राम जी का हमें पता नहीं चल रहा, बारिश होगी क्या होगा, गर्मी इतनी है, गले सबके खराब हो रहे, नज़ले सबको हो रहे, अब बीमारियों का सीजन चल रहा है बीमारियों का। थोड़ा सा ठंडा पानी पियो तो गला खराब, और गर्म पानी मतलब नॉर्मल वो बढ़िया नहीं लगता, तो समझ में नहीं आ रहा, असमंजस की स्थिति है, क्या करा जाए भाई। हल्का ठंडा पानी, हल्के ठंडे का कोई पैरामीटर है नहीं भाई, कितना हल्का ठंडा, अब कोई आ भी जाना नॉर्मल पानी या हल्का ठंडा, नॉर्मल नहीं तो हल्का ठंडा। हाँ। अब हल्का ठंडा कैसा नॉर्मल में गिन लाए जैसा, अब नॉर्मल तो डायरेक्ट भर के दे दे भाई। हाँ। हल्का ठंडा बनाने में बहुत या नंदा नहीं पता नहीं क्या क्या उपचार करती रहे अपने भी, और माँ के भी कभी चूरण सा लेने लगे, कभी दवाई सी लेने लगे, दादी पोती का इनका पता नहीं चलता। माँ को एंगेज रख रही है सुबह से ही, कभी ये कहे मेरी ये नजले की दवाई है, कोई खांसी की दवाई है, कोई जुकाम की दवाई है, जुकाम भाई। नाश्ते के बाद में बड़े बड़े पकौड़े कैसे लगेंगे? बड़े पकौड़े, पकौड़ों का नाम नहीं था, अभी बेनाम पकौड़े हैं थे आज जो भी थे, मतलब बर्गर टाइप भी उनका था, उनका नाम तो आपको ही बताना पड़ेगा क्या है उसमें, पाव था, भाजी नहीं थी तो पता नहीं क्या क्या था और क्या नहीं था, बस ये था कि वो बेसन। और उसके बाद में फिर मैंने बनाया कढ़ी चावल, और अभी चूल्हा साफ कर रही, बर्तन साफ करूँगी और प्रीति ने कर दी क्लीनिंग, तो चलो जी हो गया बस ये तो काम। और बच्चे अपना अंदर घूम ही रहे आज, घेर में नहीं गया कोई, सभी आज तो पूरा मजा ले रहे, फुल एंजॉय ले रहे फिटिंग। हाँ कुछ झीरी कटिंग हो रही है, कुछ झीरी कटिंग बता रहे हैं। अच्छा। वो चल रहा अभी काम, उसमें चल रहा हूं। तो वहाँ धोड़ धक्कड़ है अभी, इसलिए बच्चों को भेजना भी ठीक नहीं है। नहीं मुझे पता नहीं था ना, मुझे मैं तो इस वजह तो पूछ रही हूँ, तो मेरा तो पूछ लग रहा जो नहीं पता है। ठीक है तुमने तो मुझे नहीं पता, कल तो फिटिंग शुरू हो रही। तो भाई राम जी की माया है, इसका कुछ पता नहीं, कभी धूप कभी छांव कभी तूफान, तो ऐसा कुछ हो रहा। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी और चिंकी बस यही कह रही कि सामने में बारिश हो रही थी, बाहर निकल के आई
तो वाकई भाई अंधेरा हो रहा, देखो हमारे यहाँ भी, और बच्चे जो है फुल मस्ती कर रहे हैं नीचे आंगन में, क्योंकि छांव होगी ना, और चश्मे लगा लिए इन्होंने ताकि धूल ना जावे इनकी आंखों में बिल्कुल भी, और बहुत बढ़िया हवा चल रही है, और बादल आसमान में गरजने शुरू हो गए हैं। नीचे से तार पे से सारे कपड़े उतार लिए देखो, और हवा काफ़ी तेज चल रही, हल्दी को देख कर पता लगेगा हवा चल रही है नहीं, देखो कितनी पत्तियाँ लगी उसकी, उधर वो पेड़ देखो कितना लहरा रहा, लहरा भी रहा, मोटी मोटी बूंद आवेगी, माँ नु कर रही भविष्यवाणी, नु कह रही एकदम तो मोटी मोटी बूंद आवेगी। बच्चे कितने अच्छे पढ़ते हुए लगते हैं, और ट्यूशन से आने के बाद में एकदम इंगेज हो गए हैं और बिजी हो गए हैं, नु कह रही काम कर रहे हैं स्कूल का, नु कह रही इस पंखे था हवा रुक रुक करता, जो मेरे लग गया तो अपने आप तो कोई कर रही मैं कर रही थी चाके ऊपर मैं कभी चाय में गिर जा कुछ नु कह रही रुक कर दे तू तो अपने आप तो कोई कर रही आई। सही में काम करो, आराम करो, और फिर खाना खा के सो जाओ, फिर जब आंसी लगाया चिराग। आज इंतजार कर रहे हैं 4 बजने का, इन्हें पहले ही अल्टीमेटम दे रखा हमने, 4 बजे तुम्हें ट्यूशन में जाना। हाँ देख ली बस मन ने चप्पल और पैर ले बढ़िया तरह देख ली, चल ठीक है, जो मैम जी मात्रा वाली देवेगी मैं तो कर लूंगा, सब चीज करनी पड़ेगी बेटा। तेरी आँख में क्या हो गया? धूल गिर गई भाई, वाकई आँख में दवाई डलवा ले, चल जरा सी। मेरे नहीं गिरी। वे कहाँ है थारे छोटे छोटे है चश्मे? पता नहीं, बादल बरसा बिजली, मेरे पास है उसका डांस करिए, बादल बरसा बिजली निशा ओ चश्मा देते हैं बच्चों को, ऐसे सॉन्ग बहुत जल्दी से याद हुए। हमारे घर की दो बुजुर्ग औरतें यहाँ पे हुक्का पीते हुए और बारिश का एंजॉय करते हुए, ये देखो जी बढ़िया निहार रही बैठ के, झुककर बच्चे निहार रख रहे और बारिश देख रही, बस नु कह रही बहुत तकड़ा आया एकदम ते, और दोंगड़ा भी चोखा होगा, पता नहीं घेर में आज काम चल पावेगा शाम के टाइम या नहीं, अब तक तो सही चला। जैसी बारिश हो रही थी ऐसा लग रहा था कहीं घंटे तक चलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी देर तक बारिश हुई और अब जो है बारिश एकदम रुक गई, और ये छोटे छोटे बच्चे आज काफी इंतजार कर रहे हैं ट्यूशन में जाने का। आज माँ को बेसन की कड़ी बढ़िया नहीं लगी है ना, मीठी मीठी सी, तो वो बेसन घर का था आज, दुकान का था, जो राजधानी के बेसन पैकिंग वाला मिला है ना वो बढ़िया मिला है, यो वैसा खुला बेसन लाए ये कहाँ था लाए। हाँ चलो खैर कोई बात नहीं, और कढ़ाई तो बहुत देर तक मन्ने, तो भाई कढ़ी माँ को पसंद नहीं आई, और बारिश में देखो कनियर के फूल कितने सारे टूट कर गिर गए, बहुत सारे, और अभी बहुत सारे लगे हुए हैं, अब इस पे बीज आना शुरू हो जाएगा श्राद्ध के मौसम तक आ जाएगा, 15-20 दिन में इस पे बीज, ये देखो। और चाचा जी कहीं घूम गए, अभी मैं चलूंगी घेर में देख के आऊंगी काम शुरू हुआ या नहीं, मिस्त्री आ रहे घेर में तो काम चल गया होगा भाई, क्योंकि बारिश जो है किण मिण वाली चल रही, रुक गई थी या, और लेमन ट्री में भी पानी आ गया, आज देने की जरूरत नहीं है, मुश्किल से निकल के आया और ये कह रहा बस मम्मी पहुंच ही गए, अब आई चिकनी मिट्टी ज़्यादा है इसमें फिसल रहे पैर, तो बहुत मुश्किल से रास्ता बनाते हुए आए, और पानी भर रहा है यहाँ भी देखो, आराम से भाई तन्ने पजामा गंदा कर लिया पीछे तो हो गया, चप्पल की छींट लग लग के, तू वहां उसमें क्यों पैर रख रहा है, इधर रखना साइड में, इधर आ, हाँ दसा दिए पाँ भी, पूछ सी लेना है, हाँ चल आराम से चल, कुछ नहीं हुआ, ये चिंकी यहीं बैठी, हम तो नू सोच रहे थे मगर चिंकी करो ही है दिखे है? मैं तो यहीं पढ़ रही थी, आपको पता जब बारिश आई यहाँ तक आ रही थी, जा अच्छा, और जब हम यहाँ से खड़े हो यहाँ पे लगी नहीं रही थी बारिश, यहाँ पे छत भी नहीं है फिर भी बारिश नहीं लग रही थी, अच्छा अब देखो ऊपर जाके देखो, अगर यहाँ पे पूरी तेज गर्मी भी हो ना जब भी ठंडा होगा एकदम, अच्छा गर्मी, तो जो निशान लगे हुए थे इनकी कटिंग होगी भाई आज, ये देखो,
और काम जो है प्रगति पे है सुचारू रूप से। हाँ ये बोर्ड लगेंगे ना यहाँ से, ये ईंट निकल ले गई। तो भाई इस टाइम बारिश की वजह से हो गया काम बंद घेर का, और इधर की ये दीवार कंप्लीट होगी ये वाली, और अब वो वाली रहेगी फिर जो है पीछे की हो जाएगी ये दीवार, और ये चारों तरफ से जो है बंद हो जाएगा। ऊंची ऊंची दीवारें हो गए, ये वाली दीवार इतनी होगी जितनी है चारों तरफ की, और फिर जो है यहाँ पे एंगल लग के गोल वाला तार जो होता है रिंग वाला वो वाला लगवाओगे। बेकाब हो रहे थे अल्लाह ने भी अभी यार हालात बेकाबू थे। नमस्ते करी तुझे तो एकदम आदर पूर्वक है। ये मेरी पायल की आवाज सुन ले। हाँ देख 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 लात बाजी उसकी आरुषि की। हट जा आरुषि, हट जा। बेटा सुबह संडे नहीं है, आज तो संडे था, आज तो पूरी छूट थी, पता है इस बारे में जानकारी है कुछ? और इसी बीच भाई किन्ने रात मारी आरुषि, क्या है ये भाई है लात मारा कर रहे हैं? बस चुप हो जा, चुप हो जा, तो चुप हो जा, चुप हो जा। है आरुषि ऐसे लात मारा कर रहे हैं और मत्थे पे मारी है, लात बहुत चला रही तो। अरे ये क्या हो गया अंगुली में इसकी, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। और फिर ये टेप क्यों लगाई? तीन बार टेप चिपका दी। तीन बार? तीन तीन टेप चिपका दी। तीन लपेटे दे गए? तीन टेप। तीन टेप क्या मतलब है इसका? तीन टेप उंगली में हुआ क्या है? एक नीचे चिपकाई, एक यहाँ चिपकाई, अब यहाँ चिपका दी तीनों। क्यों चिपकाई है, क्या हो गया? इसकी चोट लग गई। क्या हो गया नंदनी? चोट लग गई। अरे बेटा कहाँ तुम यार, फील्ड में हो गया है, खेल के मैदान में हो तुम जो चोट लग गई है? और अभी अभी खड़ तो खन्ना पूरा उतर रहा था है, और सो जाओ बेटा टाइम से, फिर जो है उठना भी टाइम से है, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? बाय। तू भी बाय आरुष, चलो अपने ठिकाने पे चलो भाई। और तुम दोनों मेरे पास सोओगे ना? लो आपके मेरे भी लगा मैं।